स्थान ग्रहण करें। पीछे भी अभी चेयर्स हैं, तो सभी जो खड़े हैं बंधु उनसे भी निवेदन है कि सभी चेयर्स पे जाके बैठे। सभी जो रोहित जी और निवेदन है कि ये पटके जो हैं, ये सभी को जो है आए हुए लोग उनको पहनाए जाए। यजमान शख्सियत आज ज्वाइन कर रही है, ऐसे हमारे नौजवान उभरते मैं सितारे कहूंगा, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में, अभी 25 साल की उम्र है, और इस छोटी उम्र में आपने चाहे व्यापार संबंधी हो, सोशल एक्टिविटीज हो, सामाजिक कार्य हो, ऐसे सभी कार्यों में आपने आपको एक निपुणता जो है वो साबित की है। आज ऐसे हमारे युवा नेता दानिश मिश्रा जी जो हैं, आज यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी का दामन अपने समर्थकों के साथ थामने जा रहे हैं, और आज बड़े गर्व की खुशी की बात है कि आज दानिश जी को ज्वाइन कराने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी का आज पहाड़ी क्षेत्र का घूल नाश, रियासी के ऊपर के क्षेत्र का आज बहुत इनका प्रवास चल रहा है, पिछले लगभग एक महीने से आज वहां का टूर था, लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि दानिश जी के लिए एक बहुत बड़ी उपहार है इनके लिए कि आज स्वयं जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दिग्गज नेता रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज स्वयं उनको ज्वाइन कराने के लिए आए हैं। मैं कहूंगा इससे बड़ा उपहार दानिश जी को कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इनके मंगल भविष्य की भी कामना करता हूँ। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष शक्ति राय पिल्हा जी से निवेदन करूंगा कि दानिश मिश्रा जी को फूलों की माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाएं। आदरणीय रविंद्र रैना जी, मनीष जी सामने आइए, चलो इधर आओ, ठीक है। अभी दानिश राणा जी अध्यक्ष जी को गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। दानिश राणा जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको क्या जोरदार तालियों से स्वागत करें। शक्ति राय प्रहार जी को पगड़ी डाल के सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी फूलों की जो बड़ी माला है मैं कहूंगा कि उसको ना के तो अध्यक्ष जी पीछे भाई यहाँ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तेजी से बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। यहाँ समाज के नौजवान वर्ग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज खुले मन से जुड़ रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि श्रीमान दानिश मिश्रा जी, जो कि एक बहुत यंग डायनामिक एक वाइब्रेंट नौजवान है और बहुत अच्छे समाज सेवक और बहुत बड़े कारोबारी हैं, जिनका फार्मेसी में बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर के अंदर है। सहयोग जो फार्मेसी को पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम श्रीमान दानिश मिश्रा जी ने किया है। और फार्मेसी में जब आसमान छूती कुछ मेडिसिंस जो विदेश से आती हैं, ऐसी दवाइयों को गरीब लोगों के लिए मुफ्त फ्री में उपलब्ध करवाना, 50% जो रेट्स में कमी करके गरीब मजदूर किसान गांव के शहर के लोगों तक वो मेडिसिन पहुंचाने का पिछले कई वर्षों से श्रीमान दानिश मिश्रा जी एक बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और दवा खाना, इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहे हैं, ये सभी दानिश मिश्रा जी की मेहनत का परिणाम है। और आज इस बात की हमें बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी जैसे नौजवान व्यवसायी कारोबारी अपने असंख्य साथियों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आज के इस दिन दानिश मिश्रा जी को और इनके सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराई से इन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये जॉइनिंग का कारवां, विश्वास करता हूं ये जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की एक जबरदस्त होड़ नौजवानों में है, ललक है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी और अधिक मजबूत होकर पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी जनता की खिदमत, जनता की सेवा के साथ साथ देश सेवा, राष्ट्र सेवा के कार्यों में हमेशा आगे बढ़ेगी। मैं एक बार पुनः श्रीमान दानिश मिश्रा जी को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर और इनके बहुत सारे असंख्य साथियों के भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर इन्हें दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास हो रहा है, बीजेपी की ज्वाइनिंग हो रही है, भाजपा जो है दिन पर दिन ग्रास रूट लेवल पर मजबूत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स है जो भाजपा से जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाजपा ही एक वो पार्टी है जिसमें जन सेवा और राष्ट्र सेवा का हम जो है वो सोच सकते हैं। भारत माता की जय।